Today we will study about expression of electric field strength due to an electric dipole. Last class जगह हमें electric dipole कौन था आप इसे पढ़ते थे. Electric dipole ये combination of two equal and opposite charge at a fixed separation. तब हम कौन कहते थे electric dipole कहते थे. आज जो class था हमें पढ़ेगा कि पढ़े तो electric field due to that dipole. मुझे बोलना हमें प्रीवियस जितनी भी क्लास है इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भाग करते हैं फॉर ए सिंगल चार्ज आइदर द चार्ज इज ए पॉइंट चार्ज और ए लीनियर चार्ज और व्हाट एवर द चार्ज बट टुडे वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज बुझा पड़ला हमें सो एटा उडा तुमरो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो सीएचसी रो लॉन्ग क्वेश्चन रे आउडे आउ एटा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स तो आसीबो सो एको केयरफुली देखो तो एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अन इलेक्ट्रिक डायपोल due to an electric dipole bujha padle before starting the topic mo topic start kare purva to mo idea korchi mane electric dipole ko na na electric dipole hochi eita ko charge thibo at some distance eita ko charge thibo like eita thara minus q charge eita thara plus q charge eita center o and distance keto ache l ache keto ache amar l ache hela to eita hala electric dipole Due to this electric dipole, हमें बाहर करेगा electric field strength बाहर करेगा. दीटा condition में हमें बाहर करेगा. दीटा condition कोटा मैं गोटे बोलता हूँ axial point, axial position में. मैंने इधर तरह dipole वाले में जो axis था, से axis से हम उन्हें point choose करेगा, P point choose करेगा, से P point पे हमें electric field बाहर करेगा, जब हम करेगा electric field on axial line, ये axial बाहर करेगा. Similarly, second case में हम कौन करेगा equatorial point पे नहीं इक्वेटोरियल पॉइंट मींस कोन ना से डाइपोल 90 डिग्री रे ओके आर डिस्टेंस से अपन पी पॉइंट ले लेबा से पी पॉइंट आ बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बात करबा एक बार ई पोटेंस ई इक्वेटोरियल तो हमें दीटा केस बात करबा एटा हम अपन डाइपोल डाइपोल रो ई एक्सएल माने एक्सएल लाइन रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ताकु बात करबा जोडा कोटे 7 मार्क्स क्वेश्चन तमरा आसीबो आ उडे आसीला हमरा इक्वेटोरियल पोजीशन रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते अछि ताकु बात करबा जोडा तमरा सेकंड टाइप रो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन तो सब अंदर से चला तबरा असुबो तो बुझा पड़ला तो इलेक्ट्रिक डायपोल रो हमें कौन बाहर करे पे जाउ छंती इलेक्ट्रिक डायपोल रो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करे पे हमें जाउ छंती केतरा पोजीशन रे डी डा पोजीशन रे गुटे एक्सएल लाइन रे आ गुटे इक्वेटोरियल लाइन रे एक्सएल लाइन पूरा हम देखो ना एक्सएल लाइन होची एलम तो लाइन पूरा एलम तो लाइन लाइन डा हमें कौन कहबा एक्सएल लाइन बोले बा एक्सएल लाइन बोले हम देखो कहबा आ जोडा तोर तोर परपेंडिकुलर अछि 90 डिग्री अछि त हम तोके कहबा इक्वेटोरियल लाइन बोले कहबा तो ए दुटा पॉइंट रे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बात करबा ड्यू टू डायपोल बुझा पड़ल हमें टाइम मते कहबो डायपोल रो नेट चार्ज केते नेट चार्ज ऑफ द डायपोल केते होबो कहले बोले 0 नेट चार्ज 0 बाय और हाफ एटा माइनस 2 एटा प्लस 2 तोर एटा प्लस 5 होछि सॉरी एटा तोर माइनस 5 होछि एटा केते होबो हमर प्लस 5 तो माइनस फाइव प्लस फाइव मिसले के तो हम जीरो हम सो गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल एटा गोटे एमिति पिक्युलर जिनसटा जो थे तरह नेट चार्ज के थियो पले हमर जीरो थियो बट इट हैज अ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब तुम जो क्वेश्चन आसीबो कि डज एनीथिंग एग्जिस्ट इन आवर नेचर व्हिच इज जीरो चार्ज बट इलेक्ट्रिक फील्ड यस इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल ओके मु भावे समय से बुझा भावा पे बुझ पाछो सो हम डीटा कंडीशन ना गोटे गोटे कंडीशन लिखि ना फास्ट हम बात करिया कोडा एक्सेल लाइन रे बात करबा देखो एक्सेल लाइन के बात करबा फास्ट ऑन एक्सेल लाइन ए एक्सेल लाइन को आ कोन क्वेश्चन करे पले 10 ए पोजीशन भी भंती 10 ए पोजीशन कितो कोडा से फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सेल लाइन आसीबो ना फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 10 एम पोजीशन आसीबो जोडा के हमरा मीनिंग समान दिबो आ दिने जगह हमरा सीएचएस रे पचार छी उल्टे बुल्टे के पचार छी देखबा सेट करबे हमें तो सेटिंग गेलै जतरे लॉन्ग क्वेश्चन ना
લંબોસી હિસાબ રમ તો સવર માર્ક્સ પૂરા હિસાબ તો બતો છો તો હવે હિસાબ એક રહી ચાલો માં લખવા લેટ અસ કન્સિડર લેટ અસ કન્સિડર અન ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ અન ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ એ બી હેવિંગ ચાર્જિસ Having charges minus q and plus q at a separation at a separation 2l let us consider an electric dipole ab hum log ab electric dipole ko consider kar rahe hain hala to idha hala hamara ab electric dipole okay एडा हला ए एडा हला बी ए बी रखी जो अछि एडा अछि को चार्ज हमरो माइनस q चार्ज अछि एडा के चार्ज अछि हमरो प्लस q चार्ज अछि एडा कोन हमरो सेंटर ओ एडा एल हला नेक्स्ट चिपो हम बोल छि एडा गोटे फास्ट बोलला सेकंड आसीबो डायग्राम गेला थर्ड रे लिखला अबे लेट पी इज अ पॉइंट on axial line at a distance r mane r distance re eta axial point hamro ame neki pole jiba axial point एटा हमर पॉइंट नेक पड़ेले पी पॉइंट पड़ेले पी पॉइंट केते डिस्टेंस अछि हमर एटा को आर डिस्टेंस अछि हला कोटो ने डाइपोल अछि त एटा माइनस को त एटा डाइपोल डाइपोल रो सेंटर रो से पॉइंट पी रो डिस्टेंस केते अछि हमर एटा को ना आर अछि ए डिस्टेंस केते अछि हमर एटा आ क्लियर बुझा पड़ले आबे कोन कहला एटा हला हमर एटा आर ताले मतलब कि एटा कहबो यदि p पॉइंट का r डिस्टेंस रे अछि तले p पॉइंट रो प्लस q डिस्टेंस ता केत होबो ना p पॉइंट रो प्लस q डिस्टेंस हे जइबो r माइनस l हे जइबो आ p पॉइंट रो माइनस q डिस्टेंस ता केत हे जइबो हमरो माइनस q डिस्टेंस हे जइबो केत ना r प्लस l ले मेक श्योर दिस इज योर डायग्राम तो जाई पाला ना समस्त डायग्राम ने केमि देला हमरो ना गोटे हम डायपोल कंसीडर करले एबी डायपोल कंसीडर करले से एबी डायपोल रे हमरो माइनस q चार्ज अछि आ कोन अछि प्लस q चार्ज अछि केते सेपरेशन अछि हमरो 2l सेपरेशन अछि p गोटे पॉइंट को लाइन रे एक्सियल लाइन रे p गोटे पॉइंट केते डिस्टेंस रे अछि r डिस्टेंस रे अछि हमरो सो हम ने p पॉइंट टू डायपोल रो डिस्टेंस केते r प्लस q डिस्टेंस केते r माइनस l माइनस क्यू डिस्टेंस केते आर प्लस एल दिस इज ऑल अबाउट योर कंसीडरेशन माने इनिशियल पार्ट इन बुझ गेलो देन हमें आगू फर्दर बढ़िबा रे देखिबा नेक्स्ट आगू सो इलेक्ट्रिक फील्ड एडा जो पी पॉइंट अछि पी पॉइंट पाखरे केतरा जाय अछि देखो ना दिटा जाय अछि पी पॉइंट पाखरे प्लस क्यू भी अछि पी पॉइंट पाखरे माइनस क्यू भी अछि सो ड्यू टू प्लस क्यू से गुरे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जर्ट करबो आ ड्यू टू माइनस क्यू से आउ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जर्ट करबो मींस टोटल से केतरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जर्ट करबो दीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्जर्ट करबो त हम त लिखबा इलेक्ट्रिक फील्ड कोन छै इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी due to plus q charge dekho dhyan se due to plus q charge keta hobo na e plus q na jo mone e plus q e plus q formula ko ani hobo 1 by 4 by epsilon not plus q charge mane q divided by distance square to plus q ru p ru distance keta achi r minus l so eta ami likhiba kon r माइनस एल रा होल स्क्वायर आर माइनस एल रा होल स्क्वायर हैला तो ये प्लस को फार्मूला के दसला 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल रा होल स्क्वायर एबे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन वेक्टर क्वांटिटी सो हमें
ने एरो मान लगेबा तो वेक्टर क्वांटिटी मींस कोन रहबो मैग्नीट्यूड रहबो आ कोन रहबो डायरेक्शन रहबो सो द डायरेक्शन कोन हो मते लिखबो नेट प्लस टू चार्ज ना तो हम जानचू ड्यू टू प्लस टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सबले कोन रहबो आउटवर्ड रहबो तो प्लस टू पे कोन रहला कोन आउटवर्ड रहला तो नाम देबे ए बी पी तो हमर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसला ई प्लस क्यू आसला से प्लस को रखना आसला को एलम बी टू पी ना नेको बी टू पी आछ हमरो एटा प्लस टू चार्ज आ प्लस टू चार्ज पे हमर इलेक्ट्रिक फील्ड कोन रहबो आउटवर्ड रहबो सो हमें डायरेक्शन लेते बाइडे ई प्लस टू इक्वल्स टू 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल रो होल स्क्वायर एलम एलम बी पी एलम बी पी माने बी टू पी ओके सिमिलरली सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज केतो हो कह दियो पहले माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी पी पॉइंट केते सुको ना माइनस क्यू चार्ज माने मु ताको नोटेशन दो छी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रे क्यू चार्ज अछि माइनस क्यू माने माइनस क्यू पड़बो सो माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर केतो अछि डिस्टेंस केतो अछि रे हमरो आर प्लस एल सो ए कोन पड़ला को हमरे के आर प्लस एल र होल स्क्वायर पड़ला ए माइनस रे मु लेबे के प्रकरण जे पड़ला अछि तो माइनस 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल र होल स्क्वायर एटा वेक्टर क्वांटिटी सो एरो मान रहबो आ डायरेक्शन रे कोन हम की कहबो ना माइनस क्यू चार्ज तो फॉर माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एलम पी टू बी एलम कोन पी टू बी एलम पी बी एलम पी बी ओके अब इक्वेशन नंबर 1 दे देबा अब इक्वेशन नंबर 2 दे देबा ताले पी पॉइंट रे हमर पी पॉइंट रे केतरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला दीटा वाला गोटे वाला प्लस क्यू वाला एतरी वाला अ ड्यू टू माइनस क्यू कोन वाला एटा हमरा वाला देखो माइनस क्यू पे माइनस सिंबल अछि आ एलम पी बी अछि माने टुवर्ड्स द चार्ज अछि आ प्लस क्यू पे प्लस अछि आ आउट वा एवे फ्रॉम द चार्ज अछि ए जे सम रखबो ओके नेक्स्ट स्टेप पुजबा तले पी पॉइंट केतरा चार्ज वाला चलो पी पॉइंट केतरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला दीटा वाला ओटे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वाला आ ओटे ड्यू टू माइनस क्यू वाला तले नेट चार्ज केते हबो नेट चार्ज हम ऐड कर देबा हेंस लिखतो देयरफॉर therefore net electric field at point p will be net electric field kete asbo na thile koi do net electric field amle dewa e net mane e net hela e net equals kon asbo e net equals to due to e plus q प्लस कौन आसीबो ई माइनस क्यू सिंपल अच्छे नहीं को ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू हमने ऐड कर दूं देन तापर आसीबो हमरो ई नेट माने हमें ई एक्सेल लिख देबा ये छ असुविधा नहीं एक्सेल लिख दे कारण एक्सेल लाइन होचे तो हमें एक्सेल लिख देबा ई एक्सेल इक्वल टू कौन आइबो ना ई प्लस क्यू प्लस कौन आइबो एटा हमरा ई माइनस क्यू अच्छा हैला बुझा मन आबे मो वेक्टर सिंबल दोनी मो आको ऐड कर दूं तापर वेक्टर सिंबल देबा आबे हेगला आबे एबे मो आको एडे लिख दे दूं छी एडे लिख दूं छी मो इतना सब वाले पढ़ा पढ़ कर दो बोले that implies e axial ये देखो पेपर से मुझे दूजे मु e axial equals to e plus q कितना हो चाहिए ना 1 by 4 by epsilon not q by कितना r minus l ना whole square r minus l ना whole square तापर अछि के प्लस प्लस ई माइनस क्यू वैल्यू कते अछि माइनस 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कते आर प्लस एल र होल स्क्वायर ठीक अछि हमले उ डायरेक्शन लिखि एट टाइम लिखि डायरेक्शन ओके नेक्स्ट स्टेप बस में हमें नेक्स्ट स्टेप बस में हमर ई एक्सियल इक्वल्स टू कोन आसीबो ना इडा हे जो हमर 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन
आर माइनस एल रो होल स्क्वायर तो प्लस और माइनस माइनस ही दिखो माइनस के थे वन बाय फोर पाई आर चलो ना क्यू बाय आर प्लस एल रो होल स्क्वायर क्यू बाय आर प्लस एल रो होल स्क्वायर ओके आपको सॉल्व करवे अबे देखो ये सॉल्व करबा हमरा आछबो ई एक्स एल इक्वल्स टू देखो समझो मु बहुत स्टेप के बहुत लेंथी कर कर नउ छी एरे 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन अछि एपडे 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन अछि क्यू अछि क्यू अछि क्यू कॉमन पड़ेगा देखो ए क्यू डिवाइडेड बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन वाला के रहेगा को बते 1 माइनस सॉरी 1 बाय r माइनस l रो होल स्क्वायर माइनस वन बाई आर प्लस एल रो होल स्क्वायर वन बाई आर प्लस एल रो होल स्क्वायर ये तीन पढ़ा चला गया तो अब नेक्स्ट स्टेप का चला गया नेक्स्ट स्टेप का चला कौन सा चला हमको ना ई एक्सियल वेक्टर इक्वल्स टू इधर ला हमारा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट ओपन आर माइनस एल रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एल रो स्क्वायर ये देखो a minus b into a plus b रो फॉर्मूला कौन a minus b into a plus b रो फॉर्मूला होची a square minus b square so ये कौन है जो हमरो r square minus l square अब ऊपर square कॉमन होची so r square minus l square रो square क्लियरली पूछा पड़ती ना नहीं तुमको हाँ देखा होच तो देखो ये कौन लिखा है जिसे r minus l रो होची देखो ये तुमको होची r minus l square होची ये कौन होची r plus l square होची एलसीएम भाग करे तो हमको पर दिए जो मल्टीप्लाई कर दो तो दिए जो मल्टीप्लाई कर लो कौन जो है ना r माइनस l रो होल स्क्वायर एडे जो r प्लस l रो होल स्क्वायर जो ओके ताले ए दिटा को मैं कौन करछु ना r माइनस l इनटू r प्लस l करके ताकर कॉमन रे मु स्क्वायर पर दे छु कॉमन रे मु स्क्वायर पर दे कॉमन स्क्वायर करे ना का जो रह जो a माइनस b इनटू a प्लस b रो फार्मूला अरे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रो ऊपर कौन आछ स्क्वायर पता को लिख छि रे हेलो एने पोर्चो एबे आसी गला जति की नेक्स्ट आसो ए दिन हम को करबा ए डिवाइड ए जो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर को डिवाइड करबो कोन आसो रे r प्लस l होल स्क्वायर आसो r प्लस l रो होल स्क्वायर माइनस r माइनस l रो कोन आसला एने होल स्क्वायर आसला क्लियरली बुझा पडला बे नेक्स्ट स्टेप करसीबा नेक्स्ट स्टेप रे कोन आइबो हमरो ना ई एक्सएल वेक्टर इक्वल्स टू एडर ला क्यू बाय केते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तळे केते अछि को ना तळे अछि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रो स्क्वायर अछि ऊपर केते रहइबो आर प्लस एल रो स्क्वायर माइनस आर माइनस एल रो स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अछि 4ab सिमिलरली आर प्लस एल रो स्क्वायर माइनस आर माइनस एल रो स्क्वायर का फार्मूला अछि 4 आर एल केते लाइन हमरो 4 आर एल नेक्स्ट आउट स्टेप करबा बे ना ई एक्सएल वेक्टर इक्वल्स टू कोन हम लिख पके मु लिख देली 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखली 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखली एरे कोन अछि प्ले क्यू अछि एके त अछि 4 अछि मु 4 टे को 2 इनटू 2 कर दउ छी 4 को कोन बोली 2 इनटू 2 कर देली एरे क्यू रखली एके एडे रखली एल रखली आर रखली एके आर डिवाइडेड बाय केतो अछि कोडे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रो स्क्वायर ओके देखो ये समझते ऊपर कोन थिला हमर को 4 थिला 4 जगह हम कोन लिखले 2 into 2 बैलेंस आइ अछि क्यू रे क्यू अछि l l बे अछि r r बे अछि हम किछ एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करना जति थिला से तेही पछि हैला ताहाले नेक्स्ट स्टेप को से आबे नेक्स्ट स्टेप रे जो कोन हमर ना e xl वेक्टर इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले ये 2 अछि 2 2 क्यू एर फार्मूला कोन हमरो डाइपोल मोमेंट 2 क्यू एर फार्मूला कोन हमरो डाइपोल मोमेंट है ने तो डाइपोल मोमेंट यार कोन बोलबा p आर कोन बोलला r 2 p r बाय केते r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रो स्क्वायर हला तो एटा आसी वाला हमरो कोन ई एक्स एल फार्मूला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 2 p r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रो होल स्क्वायर अब डायरेक्शन कोन होबो ln ln dp
कौन कौन डायरेक्शन था एलम बीपी क्वेश्चन नंबर कितने टाइम रहा 3 क्वेश्चन नंबर 3 एलम बीपी मैंने काय रखो ये माइनस की रहो छि माइनस की रखो छि इनवर्ड हो छि प्लस की रखो छि आउटवर्ड हो छि बा एलम बीपी हो छि आ प्लस को नियर टू द पॉइंट हो छि सो डायरेक्शन द भी नियर टू द पॉइंट रे हम ले जिबा एलम बीपी रे नेके हमटे बोले हैला तो ये आसला ई एक्स एल इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई आंसर 2 पी आर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रो स्क्वायर एबे स्पेशल केस ओडो करबा स्पेशल केस करबा चलो देखो स्पेशल केस का कोन छि देखो जागा होनी छोटो बोर्ड जागा होनी तो ठीक है ध्यान से देखो स्पेशल केस को छि इफ इफ r greater than l if r greater than l माने r बोले को टेबल पे r माने एटा माने ई जो डाइपोल डिस्टेंस तो हम कोन बोथ r कोथले तो एटा होची हमर r आ l माने को l माने होची डिस्टेंस ता छि बोले कि r greater than l माने r ता होची बहुत बडो l ता होची बहुत सानो त जे r ता greater than l होची तले l टेंड्स टू कोन जीवो को जीरो जीवो दैट इंप्लाइज l टेंड्स टू कोन से लेको जीरो hence हमर फार्मूला रे कोन जीवो कर दियो hence l 0 हेला माने जो केस रे r ता बडो l ता सानो से केस रे l ता कोन जीवो 0 आ से केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला कोन जीवो दिबा e xl इक्वल टू फार्मूला आइ जीवो 1 / 4 / epsilon not रोला कोन हो l 0 हेला ने पले l 0 हेला माने कोन कटि गला r 4 थे गला रोला केता होय 2 p r बाय के जो कोइले r 4 थे जीवो जे r 4 थे गला दैट इंप्लाइज कोन करबाय रे देख तो बाय रे ना e xl इक्वल्स टू 1 / 4 / epsilon not r r पर्टिकुलर केतरे होय रे ना 2 p / r cube 2 p / केतरे होला एटा हमरा r cube एटा वेक्टरटा सो वेक्टर सिंबल दबा एटा भी कोन होबा लम बीपी होबो एलम बीपी ओके बुझा पला इक्वेशन नंबर केते आ हमरा 4 तो ये आला हमरा एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एटा बेसिक जे टेंशन नेवर नै पले हमको देखो देखा जाउ जे बहुत बड़े तुम फर्स्ट टाइम पढ़छ तुम जे तोरा फर्स्ट टाइम देखु छ केते बड़ क्वेश्चन आ छ केमदे हम सॉल्व करबा केमदे हम मोनो पे बड़ स्टेप बट सेमदे किछ डिफिकल्ट नै रे सत्य किछ डिफिकल्ट नै हमको स्टेप वाइज हम देखि देखि नबो हैला मु आउ थरे तुमको ओवरलुक करबे देखौ छ तो पास जे तबले से हम पचाय छी एक्सेल लाइन जो पचाय छी ओकरा को लिखै हो छी ने देखो केमदे हमें को माउंट रखबा हमें कोन करबे ना डायपोल ले के पळे जबा एरो डायपोल डायपोल एपडे हमें कोन रखबे माने सबले माइनस टू रखबा एपडे हमें कोन रखबा प्लस टू रखबा माइनस टू रखबा प्लस टू रखबा सेंटरटा कोन हम रखो सेंटरटा हो ओ एपडे कोन डिस्टेंस अछि ए एपडे कोन डिस्टेंस अछि हमरा एल अछि एक्सियल लाइन बोले कोटा ना एक्सियल लाइन बोले सबले कोन रखबा एक्सियल लाइन बोले सीधा ए सीधा लाइन हम कोन करबे पॉइंट चूज करबा से पॉइंटर ना कोन हमरा पी से पॉइंट केते डिस्टेंस रे अछि आर डिस्टेंस रे अछि माने आर डिस्टेंस माने कोन सर डायपोल रो सेंटर रो केते डिस्टेंस रे अछि को आर डिस्टेंस रे हमरे इथे अछि ओके तो एटा होछ हमरा हमें पी पॉइंट रे कोन बात करबा तो लेले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा पी पॉइंट रे कोन बात करबा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा तो देखबा ई जो पी पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते बाहरबो पी पॉइंट रे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरबो ड्यू टू प्लस क्यू ये जो प्लस क्यू चार्ज अछि ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज गुटे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरबो एपडे बाहरबो सेटा केते हबो ना ई प्लस क्यू हबो हैला आ गुटे कोन हबो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज अछि से माइनस क्यू जो कोन हबो गुटे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरबो ए डायरेक्शन बाहरबो एटा हो जाबो कोन ई माइनस क्यू बाहरबो तो ई प्लस क्यू बाहर करबो ई प्लस क्यू रो फार्मूला बाहर पके हबो ई माइनस क्यू बाहर करबो ई माइनस क्यू पर डिस्टेंस चाहिए तो की पड़बो ई प्लस क्यू पर डिस्टेंस ता प्लस क्यू ए भीतर पड़बो हैला तो ई प्लस क्यू बाहर करलो ई माइनस क्यू बाहर करलो ता पर सिंपली कोन करबो खाली ऐड करबो सही आंसर सेटा होत तो क्वेश्चन ता मु जे फर्स्ट टाइम पे हम करोतले तो मु बहुत लेंथी करतले एते भी डिफिकल्ट न है हैला जो माने जण भाबु जो डिफिकल्ट ता माने पाठ पढ़न तो माने हैला कि नहीं तो एडा हैला हमरो
expression of electric field strength on axial line due to an electric dipole. तो एटा आ स्पेशल केस कोन ने स्पेशल केस होची जो ए जो 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 आर अछि ए आर ए कोन छ एर अछि त आर के 20 मीटर थिबो आ एल ने 1 मीटर थिबो माने आर त बहुत बड़ थिबो एल डा कोन थिबो बहुत सानो थिबो ए सानो अछि बोले एतिक समय त 10 टू 0 त 0 बले ट्रीट करबा ट्रीट करले हमर सब फार्मूला कोन जो एल डा 0 जो सो हमर केते फार्मूला आसला 2p r q आसला तो एटा होछ हमर इंपोर्टेंट फार्मूला एटा होछ हमर इंपोर्टेंट फार्मूला क्लियरली बुझा पड़ला. So this is all about the expression of electric friction on axial line. And next class re, next our coming class re, I am going to talk about expression of electric friction mark karba on equatorial line mark karba. Aaj jo sab padhunu nu, but tum aaj to mo kaam ho, tum aaj hi aapko repeat karo. Khali dekhi le hobo ni, aapko goto tara tum try karo karo bas. Dekhi jo goto tara, dekhi le apore, tum itaku lekho. Tum lekhi ho chat karo. कि केमिनी गोटे स्टेप को मन रख कर छी स्टेप को मन रख कर छी गोटे स्टेप नेक्स्ट स्टेप ता केमिनी हम आसला सेटा हो जुटे आ एडा हो जु 7 मार्क्स क्वेश्चन 7 मार्क्स क्वेश्चन आ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर हेले तो होप कर छु कि तुम एडा भलो आपरे बुझाइबो ओके.